दादा ये इस महीने का रेंट है। सुबह सुबह लगा लियो क्या? नहीं दादा 500 रुपए कम है इसमें। करता हूँ दादा। आओ भाई कि अगले साल आओगे? अरे क्या ठीक है, अभी पापा से बात करना, पूरा रेंट कराना। चल ठीक है जा। भैया ये लीजिए पैसा, पिछले महीने को बाकी है वो करवा करवाना यार प्लीज। यार इसी यार तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? 3 महीने हो गए, चौथा महीना चालू है, हैं? ये कब तक ऐसे करते रहोगे? रेंट ओंट करवाओ, और अगर नहीं देख सकते हो तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, सामान लो और निकलो यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है। राकेश भैया वो इस मंथ में देता हूँ मैं, वो आपको पता है 3 महीने से मेरे पास कोई जॉब नहीं था, और अभी लॉकडाउन के बाद मुझे जॉब मिली है, तो 2-3 दिन में मेरी सैलरी भी मिल जाएगी, तो मैं आपको दे दूँगा। अरे यार कौन परेशान नहीं, सब परेशान थे लॉकडाउन में, सबके पास परेशानी थी, लेकिन सबने कराया ना पैसा, कोई घर से मंगाया, कोई बाप से मंगाया, कोई बहन से मंगाया, हैं? तो सब कर रहे हैं ना, तो तुम भी मंगा लो यार घर से। राकेश भैया घर से कैसे पैसे मंगा लो, आपको पता है घर का खर्चा मेरे खर्चे से चलता है, और मेरे पास काम ना होने के कारण घर पर कितनी परेशानियाँ थी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं 2-3 दिन में करके आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है 3 दिन में कर दो। ओके भैया। अरे ऋषि खाना खाया क्या तुमने? हाँ भाई खा के आया हूँ। पक्का ना? अगर ना खाया हो तो खाना खा लेना, मैं बना रहा हूँ, ठीक है? पक्का खा के आया हूँ भाई। ओके। अरे ऋषि सैलरी मिली क्या? हाँ भैया सैलरी तो मिल गई। अरे यार फटाफट दे पैसे, गैस खत्म हो गया, चाय बनानी है, जल्दी से बुक करना, जल्दी कर। राकेश भैया सॉरी, वो पैसे तो मिले थे सैलरी के, पर वो सैलरी के पैसे खर्चे हो गए। कहीं और खर्च हो गए? यहाँ साला मैं 3 महीने से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम पैसे दोगे, पैसे दोगे, पैसे दोगे, यहाँ पे चूतिया लिखा हुआ है क्या? थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। कौन सा टाइम दे दे, कैसा टाइम दे दे? तू रुक बताता हूँ, निकल यहाँ से। सुन अब एक काम कर, निकल यहाँ से। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, हैं? तुम्हारे पास महंगे कपड़े पहनने के लिए होते हैं, बालों में जेल लगाने के लिए होते हैं, लेकिन जब रेंट देने का नंबर आता है तो भिखारी बन जाते हो। अब एक काम कर, ये कटोरा उठा और सबसे 5-5 रुपये भीख में मांग ले, और अपना सामान उठा और यहाँ से निकल, नहीं थप्पड़ मारेंगे खींच के। राकेश भाई आराम से, क्या कर रहे हो ये? किसी को बेइज्जत करने से पहले जान तो लो कि किराया क्यों नहीं दिया उसने। एक काम कर, तू ही दे दे किराया। अरे अगर मैं किसी को सपोर्ट करूँ इसका मतलब ये थोड़ी इसका घर मैं चलाऊंगा। उसने किराया क्यों नहीं दिया ये मैं जानता हूँ, आप थोड़ी जानते हो। क्या जानते हो? मैं वही जानता हूँ जो सच है। क्या है सच?
जो इसने किया है ना उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। हमेशा पैसा पैसा पैसा, कभी किसी जरूरतमंद की मदद करके देखना कितना सुकून मिलता है। सॉरी यार, जैसे मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, कितना गुस्सा किया, तूने सच में बहुत बड़ा काम किया। सॉरी, अब चल मुस्कुरा मुस्कुरा। हाँ अब बता रेंट कब देगा। अच्छा सुनो, बैठो या उठो जो मर्जी हो करो, रेंट सबका लगेगा।